खान के घर पे पहुंच रही है, उनसे मिल रही है, मुलाकात कर रही है और इसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रही है। आप चाह रही है कि मालती में जो भी ये विवाद हो रहा है इससे आप पैसा कमाने। एक चीज बता दें, अगर हम जो कर रहे हैं हम अपने चैनल द्वारा डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू भारती। मैं आई हूँ बिढ़र घाट पर, जहाँ पर मालती चौहान का शव को जलाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना भीड़ है। यहाँ पर रिपोर्टर के साथ साथ महिलाएं भी आई हैं और यहाँ देख सकते हैं जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया पर कभी आप कहीं ना कहीं मालती का सपोर्ट करती है, कभी विष्णु का सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से घर के विवाद को बाहर लाना क्या जरूरी है? मैंने एक बार विष्णु का सपोर्ट किया था जब मालती चौहान चली गई थी शादी करके, तब उसके बाद मैंने मालती के खिलाफ। अभी आप किसके खिलाफ है, किसका दोषी है? अभी इसमें ये कहा जा रहा है, एक तरफ जो है मालती के जो पिता है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है अर्जुन और विष्णु के द्वारा किया गया है, वही विष्णु के परिवार कह रहे हैं कि ये घटना जो है वो खुद से सुसाइड की है। क्या बोली आपसे मिलके वो? मेरे से मरने से पहले मिली थी तो मेरे घर गई थी, जब मैं उसका मदद नहीं करने घर भी गई थी वो, तब मैं उसका मदद करती हूँ। यहाँ तक मैं उसको कोर्ट ले जाती हूँ, सुलहनामा लिखवाती हूँ, पेंट थाने से उसका समझौता करवाती हूँ, सारा चीज करती हूँ। वहाँ अब देखिए मेरा थाना गोरखपुर पड़ता है तो मैं गोरखपुर में जाऊँगी। अब गोरखपुर से यहाँ मैं नहीं रहूँगी, मैं बेटा नहीं रहूँगी, गोरखपुर कभी नहीं रहूँगी। मेरा थाना जहाँ पड़ता है प्रचार करवा भद्रवाली में, मेरा थाना तो गोरखपुर पड़ता है, मैं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, मैं सीधे गोरखपुर लेके जाती हूँ। शॉर्ट वीडियो डाल लिंक काम करता जो होता है वो सभी लोग जानते हैं, मंडल है वो। एक और सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से काफी पहले से YouTube पर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों ने YouTube पर इस तरीके से गंद फैला दिया है कि आज समाज में जो है बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो सर उठाने से डर रहे हैं, आपके चलते बहुत सारी जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो बदनाम हो रहे हैं समाज में, जिस तरीके से आप लोग अश्लील वीडियो बनाए। वो भी खुशबू भारती इस टाइम नहीं, अब रात में ना जब अस्थिल देखेंगे। मालती चौहान जो नहीं थी वो उनको किसी ने मार दिया, हाँ हम लोग नहीं देखे, जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी तो पता चलेगा। अब हल्ला क्या इन लोगों का वीडियो बनाना है और क्या हल्ला है? हमारे बगल में ये इनका सदिया हुआ था यहाँ पे ना, केवल खुशबू भारती है कि 99 उसके साथ है? नहीं, खुशबू भारती मैं जैसे जिस तरह से बनाती है मालती चौहान एक शॉर्ट वीडियो बनाती है, उसी तरह से मैं जैसे क्या बात करती, मतलब ज़्यादा बात नहीं।
उनको कैसे सपोर्ट करें? उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। जो भी मतलब ये मालती चौहान एक बड़े यूट्यूबर थे, जो छोटे यूट्यूबर उनको देख देख करके कुछ सीखती थी और आज हमारे बीच वही नहीं रही। क्या लगता है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं उनके हस्बैंड को लेकर के, परिवार को लेकर के, क्या लगता है कौन सी बात ज्यादा करीब होगी इस जो भी ये एक्सीडेंट हुआ?